वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब कोई वीडियो डालें तो तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक शहर वित्तीय साक्षरता, क्रेडिट तक पहुंच, बीमा और पेंशन सुविधाओं के लिए कम से कम एक बैंक खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं के सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करके देश के सभी घरों के व्यापक वित्तीय समावेश को सुनिश्चित करने के लिए अगस्त 2014 में घोषित योजनाओं का नाम दीजिए। ऑप्शन है, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। उसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री जनधन योजना। सभी ग्राहकों को अटल पेंशन योजना के तहत 10 वर्ष की उम्र में 1,000 रुपया या 2,000 रुपया या 3,000 रुपया या 4,000 रुपया या 5,000 रुपये की गारंटीकृत न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त होगी। ऑप्शन है 70 वर्ष, 50 वर्ष, 40 वर्ष, 60 वर्ष और 80 वर्ष। इसका सही उत्तर है 60 वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुमोदित परिसंपत्तियों के तहत अनुमोदित संपत्तियां हैं। ऑप्शन है सोने का सिक्का और सोना और रुपया सिक्का, विदेशी प्रतिभूतियां और भारत सरकार की कोई भी परिव्यक्ता की रुपया प्रतिभूतियां, भारत में देय विनियम और प्रतिज्ञा पत्र के बिल जो RBI द्वारा खरीद के लिए पात्र हैं। उपरोक्त सभी या दिए गए विकल्पों में से कोई सत्य नहीं है। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। भारतीय जीवन बीमा निगम एक भारतीय राज्य स्वामित्व वाली बीमा समूह और मुंबई के मुख्यालय वाली निवेश कंपनी है। LIC की स्थापना की गई थी कौन से साल में? ऑप्शन है 1956, 1962, 1955, 1949 और 1921। इसका सही उत्तर है 1956। भारत सरकार के साथ डैश स्वच्छ और वास्तविक नोटों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ देश की मुद्रा के डिजाइन, उत्पादन और समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन है नाबार्ड, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, SEBI और RIRDAI। इसका सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि संपत्ति वर्गीकरण और आय मानता के सत्यापन का प्रयोग शाखा द्वारा लेखा परीक्षा कार्य के हिस्से के रूप में किया जाना चाहिए और वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा शाखा और संबंधिक लेखा परीक्षकों द्वारा वर्ष के अंत तक प्रभावी कार्य किया जाना चाहिए। ऑप्शन है 31 मार्च 1993, 31 मार्च 1994, 31 मार्च 1995, 31 मार्च 1996 और 31 मार्च 1997। इसका सही उत्तर है 31 मार्च 1994। अटल पेंशन योजना या APY डैश वर्षों के आयु वर्ग में सभी बचत बैंक, डाक बचत बैंक खाताधारकों के लिए खुला है और चयनित पेंशन राशि के आधार पर योगदान अलग अलग है। ऑप्शन है 18 से 70 वर्ष, 18 से 50 वर्ष, 18 से 40 वर्ष, 18 से 60 वर्ष और 18 से 80 वर्ष। इसका सही उत्तर है 18 से 40 वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं को खोलने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को लाइसेंस देना, जनता से जमा स्वीकार करना, विदेशी मुद्रा व्यापार विनिमित, नोटों जारी वाले पदाधिकारी बैंकों के बैंक और सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई भी सत्य नहीं है। इसका सही उत्तर है नोट जारी करने वाले प्राधिकारी बैंकों के बैंक और सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। RBI ने इसे अधिक आकर्षक बनाने के लिए स्वर्ण मुद्रीकरण योजना में बदलाव किए हैं। गोल्ड मुद्रीकरण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन है 2017, 2016, 2014, 2013 और 2015। इसका सही उत्तर है 2015। भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की। यह योजना ग्रीनफील्ड उद्यमों की स्थापना के लिए कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को प्रति बैंक शाखा में डैश और डैश के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है। ऑप्शन है 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये, 5 लाख रुपये और 50 करोड़ रुपये, 20 लाख रुपये और 5 करोड़ रुपये, 50 लाख रुपये और 10 करोड़ रुपये, 1 लाख रुपये और 20 करोड़ रुपये। इसका सही उत्तर है 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के बीच में ऋण सुविधा प्रदान करती है।
भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय क्या है? ट्रेजरी बिलों को छोड़कर सभी प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एक केंद्रीय डिपॉजिटरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट जारी करने के कार्य में भाग लेता है। रुपये के बाहरी मूल्य को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। भारत सरकार की भुगतान स्थिति के संतुलन को नियंत्रित करता है, या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई भी सत्य नहीं है। इसका सही उत्तर है ट्रेजरी बिलों को छोड़कर सभी प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एक केंद्रीय डिपॉजिटरी है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में तरलता समायोजन सुविधा के तहत नीति रेपो दर 25 बेसिस अंकों से बढ़ाकर कितना कर दी है? ऑप्शन है 5.75%, 6.25, 6.50, 6.75, 5.50। इसका सही उत्तर है 6.25%। डैश में स्थापित फिक्की भारत में सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है। इसकी स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 1956, 1949, 1935, 1921 और 1927। इसका सही उत्तर है 1927। मुद्रा प्रबंधन विभाग की मुद्रा प्रबंधन के कार्यों को प्रशासित करने की जिम्मेदारी है, जो कि किस अधिनियम के संदर्भ में रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है? ऑप्शन है भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, वार्तालाप इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई भी सत्य नहीं है। इसका सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। स्टैंडअप इंडिया स्कीम महिलाओं डैश श्रेणी के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रदान करता है। एससी एसटी समान ओबीसी या फिर एससी और एसटी दोनों। इसका सही उत्तर है ANB, एसटी और एससी दोनों। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत एक विशेष किस्त में ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से खाता धारक के बैंक खाते से प्रति वर्ष कितना राशि की कटौती की जानी है? 365 रुपये प्रति वर्ष, 110 रुपये प्रति वर्ष, 12 रुपये प्रति वर्ष, 330 रुपये प्रति वर्ष, 205 रुपये प्रति वर्ष। इसका सही उत्तर है 12 रुपये प्रति वर्ष। बैंक प्रबंधन में अनुसंधान प्रशिक्षण शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्था के रूप में भारत सरकार के परामर्श से भारत के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डैश में राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है 1979, 1949, 1969, 1959। इसका सही उत्तर है 1969। IFAD एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है और संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जो विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और भूख को खत्म करने के लिए समर्पित है। IFAD का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ये इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेरिवेटिव, इंटरनेशनल फंड ऑफ एसोसिएशन डेवलपमेंट, इंडियन फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसका सही उत्तर है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। भारत भर में रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के जारी विभागों के सहयोग से मुद्रा प्रबंधन विभाग मुद्रा प्रबंधन की देखरेख करता है। मुद्रा प्रबंधन विभाग स्थित है, ऑप्शन है कोलकाता, पुणे, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई। इसका सही उत्तर है मुंबई। भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक शामिल किया जा सकता है? ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, भारत में विदेशी बैंक, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक का प्रतीक एक कुत्ते और शब्दों को वफादार दोस्ताना, इसको बोलते हैं फेथफुल फ्रेंडली, टैगलाइन कौन से बैंक का है? पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर है सिंडिकेट बैंक। EIB यूरोपीय संघ का बैंक है
और यह दुनिया का सबसे बड़ा बहुपक्षीय उधारकर्ता और ऋणदाता है। EIB में आई का अर्थ क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल, इनिशियली, इंस्टॉलमेंट और इंडियन। इसका सही उत्तर है इन्वेस्टमेंट। IFAD का मुख्यालय कहाँ है? वीना, ऑस्ट्रिया, लंदन UK, पेरिस फ्रांस, बर्लिन जर्मनी, रोम और इटली। इसका सही उत्तर है रोम, इटली। और IFAD का फुल फॉर्म होता है द हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। भारत में भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित समिति देनदारियों और 1881 में स्थापित पहला बैंक था। हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, औध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब और सिंधु बैंक, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर है औध कमर्शियल बैंक। और औध कमर्शियल बैंक एस्टेब्लिश हुआ था 1881 में हैदराबाद में। IRDAI ने बीमा विपणन फर्मों से संबंधित नियमों की समीक्षा के लिए एक पैनल बनाया है। समिति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है CV राव, ई श्रीधन श्रीधरन, सुरेश माथुर, बीजू पटनायक, सुभाष चंद्र खुटिया। इसका सही उत्तर है सुरेश माथुर।